द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज पेन। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो होगा फास्ट पेन वर्सेस स्लो पेन, न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फॉर फास्ट पेन, पैलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक फॉर स्लो पेन, पेन कंट्रोल सिस्टम दैट इज द एनाल्जेसिया सिस्टम एंड द ब्रेन ओपिएट सिस्टम। आफ्टर दिस द प्रैक्टिस सेशन विल इंक्लूड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन पीजी एंट्रेंस एग्जाम एंड क्लिनिकल चैलेंज क्वेश्चन। Starting from the differences between the fast pain versus the slow pain, we see the सबसे पहले differences देखेंगे हम लोग कि fast pain और slow pain में क्या differences है। Fast pain is a sharp pain or a pricking pain or acute pain or an electric pain, while the slow pain is the slow burning pain or aching pain or throbbing pain or nauseous pain or chronic pain। तो fast pain ये सारे pains होते हैं और slow pain ये सारे pains होते हैं। फास्ट पेन जो होता है वो फेल्ट 0.1 सेकेंड आफ्टर पेन स्टिमुलस इज अप्लाइड, मतलब 0.1 सेकेंड आफ्टर जैसे ही हम लोग पेन स्टिमुलस अप्लाई करते हैं उसके 0.1 सेकेंड के बाद इसका ये फील होता है फास्ट पेन। जबकि स्लो पेन जो होता है वो 1 सेकेंड या फिर उससे ज्यादा टाइम लेता है स्टिमुलस के अप्लाई होने के बाद फील होने में, फेल्ट आफ्टर 1 सेकेंड और मोर आफ्टर आफ्टर पेन स्टिमुलस इज अप्लाइड। फास्ट पेन फेल्ट एट द स्किन नॉट एट द डीपर टिश्यू, फास्ट पेन जो होता है वो स्किन में फेल्ट होता है डीपर टिश्यू के डैमेज की वजह से नहीं, जबकि स्किन के डैमेज की वजह से फास्ट पेन होता है। जबकि स्लो पेन जो होता है वो स्किन और डीपर टिश्यू दोनों के डैमेज की वजह से होता है। देन कमिंग फास्ट पेन स्टिमुलस फॉर द फास्ट पेन आर मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलस, वाइल द स्लो पेन द स्टिमुलस फॉर द स्लो पेन जो होता है वो मेनली केमिकल स्टिमुलस होता है, बट मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलस भी स्लो पेन का रीजन हो सकता है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा फाइबर्स कंडक्ट करता है फास्ट पेन, तो फास्ट पेन को कंडक्ट करने वाले ए डेल्टा टाइप ऑफ द फाइबर्स कंडक्ट द फास्ट पेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 to 30 मीटर पर सेकेंड। तो ए डेल्टा टाइप ऑफ द फाइबर्स होते हैं जो कि मॉडरेटली माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो कि फास्ट पेन को कंडक्ट करते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 to 30 मीटर पर सेकेंड, वाइल सी टाइप ऑफ द फाइबर्स कंडक्ट द स्लो पेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। सी टाइप ऑफ द फाइबर्स होते हैं जो कि अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और ये स्लो पेन को कंडक्ट करते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। Then the last difference between the fast pain and the slow pain, the glutamate is the main transmitter during the conduction of the fast pain. फास्ट पेन के कंडक्शन के दौरान ग्लूटामेट जो होता है वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जबकि सब्सटेंस पी जो होता है वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द स्लो पेन। सो दीज वेर डिफरेंसेस बिटवीन द फास्ट पेन एंड स्लो पेन। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द न्यू स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट एंड द पैलियो स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट। बिफोर दिस वी विल स्टडी अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ असेंडिंग पाथवे एंड दैट इज द एंट्रोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे। We know that the pain is transmitted through anterior lateral spinothalamic pathway. So, and in specifically the lateral spinothalamic pathway. So, we knew that anterior lateral spinothalamic pathway को हमने दो part में divide किया था, lateral spinothalamic pathway और anterior spinothalamic pathway. जो lateral spinothalamic pathway था वो pain and temperature के transmission के लिए responsible था और anterior spinothalamic pathway crude touch के transmission के लिए responsible था। जब भी फर्स्ट ऑर्डर इसका अगर एक रिव्यू देखें या फिर ओवरव्यू देखें, हम लोग ये वाले प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं द एंट्रोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे, बट क्योंकि इस हम लोग को पेन का पाथवे पढ़ना है, स्पाइनोथर्मिक पाथवे नियो स्पाइनोथर्मिक पाथवे और पेलियो स्पाइनोथर्मिक पाथवे पढ़ना है, इस वजह से एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे पेन के फाइबर्स ऊपर की तरफ असेंड करते थे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन जो होते थे वो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा के लेवल पे या फिर डॉर्सल हॉर्न के लेवल पे जाकर के क्या होता था वो टर्मिनेट करता था और यहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरोन बिगिन होते थे। ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरोन होते थे वो लेटरल और एंटीरियर लेटरल पाथवे को लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे और एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे को फॉलो करते थे। लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे पेन और टेंपरेचर के लिए होता था और एंटीरियर स्पाइनोथर्मिक पाथवे क्रूप टच के लिए होता था। स्पाइनोटेक्टल पाथवे भी होता था जो कि विजुअल रिफ्लेक्स के लिए होता था, जो कि एक पार्ट ऑफ द बंडल्स होते थे, बट मेनली इसको दो पार्ट में एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे में हम लोग पढ़ते थे। एट द लोअर लेवल ऑफ द मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा हमने देखा कि ये दोनों फाइबर्स और स्पाइनोटेक्टल फाइबर्स पाथवे के फाइबर्स के साथ साथ मिल करके एक ट्रैक्ट बना देते थे जिसका नाम था स्पाइनल लेमनिस्कस। ये स्पाइनल लेमनिस्कस जो ट्रैक्ट था ये ट्रैक्ट ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता था पूरे के पूरे ब्रेन स्टेम में और फिर जाकर के थैलेमस में वेंट्रो बेसल कॉम्प्लेक्स दैट इज लोकेटेड इन वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियाई में लोकेटेड जो था वहां पे जाकर के ये टर्मिनेट करता था। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते थे वो वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियाई है उसके अंदर जाकर टर्मिनेट करते थे और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का यहां से बिगिनिंग होता था जो कि पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से होते हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाकर स्प्रेड हो जाता था। इसमें से कुछ फाइबर्स बीच में ही ठीक है ना स्पाइनल लेमनिस्कस के दौरान ही कुछ फाइबर जो होते थे वो रेटिकुलर सब्सटेंस में, कुछ फाइबर जो जाते थे वो टेक्टम और कुछ फाइबर जो जाते थे वो इंट्रालेमिनल न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस में जाकर के टर्मिनेट करते थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, अब ये तो हो गया पूरा का पूरा पेन का एक पाथवे, अब हम लोग कहते हैं कि इसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कैसे
फास्ट पेन का पाथवे अलग होता है स्लो पेन के पाथवे से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जब हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो ये ग्रे मैटर होता है, इस ग्रे मैटर को बहुत सारे लेमिना में डिवाइड किया जाता है। जैसे लेमिना 1, लेमिना 2, लेमिना 3, लेमिना 4, लेमिना 5, लेमिना 6, लेमिना 7, लेमिना 8, लेमिना 9 एंड लेमिना 10 होता है, जो कि सेंट्रल कैनाल के आसपास होता है। तो टोटल 10 लेमिना में हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट 10 लेमिनास के अंदर। ठीक है, इसमें से हमारे काम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेमिनास है वो है लेमिना नंबर 1, जिसको हम लोग कहते थे, जो कि एकदम मार्जिन की तरफ होता है, इस वजह से हम लोग लेमिना मार्जिनालिसिस को हम लोग कहते हैं। सेकेंड लेमिना जो होता है वो हमारा सेकेंड लेमिना जो होता है उसको हम लोग सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा कहते हैं। समटाइम्स थर्ड लेमिना इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा। तो ये तीन लेमिना जो होते हैं वो हमारे काम के हो जाते हैं। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे फास्ट पिन फाइबर और स्लो पिन फाइबर ट्रांसमिट करते हैं। फास्ट पिन फाइबर दैट इज ए डेल्टा फाइबर जो होते हैं वो सब्सटेंसिया वो लेमिना मार्जिनलिस के अंदर जाकर के टर्मिनेट करते हैं। फर्स्ट पिन फाइबर दैट इज ए डेल्टा फाइबर्स का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट करेगा कहाँ पे, लेमिना मार्जिनलिस, डॉर्सल रूट गैंग्लिया से एंटर कर, डॉर्सल रूट के से एंटर करके लेमिना मार्जिनलिस में जाकर के ये टर्मिनेट कर जाएगा। फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग होगा। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होगा वो लेमिना मार्जिनलिस से क्या करेगा, इसे आगे की तरफ एसेंड करेगा और डिकसेट कर करके लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे को क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि ये पेन के फाइबर्स हैं तो ये लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे को फॉलो करेंगे। वही स्लो पेन फाइबर जो हो जाते हैं, दैट इज सी टाइप ऑफ द फाइबर जो हो जाते हैं, ये जाकर के सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा पे जाकर के टर्मिनेट करते हैं। सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा पे टर्मिनेट करके कुछ इंटर न्यूरॉन से ये कनेक्टेड होते हैं। ये इंटर न्यूरॉन्स को हम लोग सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं कहते, क्योंकि ये स्लो क्योंकि ये बस एक डिफ्यूजेबल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये एक मेन कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसमें तो क्या होता है कि सी टाइप ऑफ द फाइबर्स के जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वो जाकर के टर्मिनेट करते हैं सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा, दैट इज लेमिना 2 और लेमिना 3 में। फिर वो इंटर न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से। ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वो लेमिना 5 से बिगिन होते हैं और फिर डिकसेट करके लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक-एक पाथवे को और ऊपर लेवल पे पढ़ेंगे, दैट इज नियोस्पाइनोथेलमिक पाथवे, नियोस्पाइनोथेलमिक ट्रैक, जो कि फास्ट पेन के लिए रिस्पांसिबल होता है। सबसे पहले इस पाथवे को पढ़ेंगे हम लोग, ए डेल्टा फाइबर्स इसको इसमें इसके अंदर ट्रांसमिशन शो करते हैं। मैकेनिकल एंड थर्मल स्टिमुलस के थ्रू जनरली फास्ट पेन का जनरेशन होता है और न्यूरोट्रांसमीटर जो इनके अंदर इंक्लूड होते हैं वो मेनली ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट जो होता है वो फ्यू मिली सेकंड के अंदर जो होता है वो ट्रांसमिट कर देता है, इस वजह से ये फास्ट पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कोर्स के बारे में कि कैसे ये पाथवे ऊपर की तरफ असेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंटर्स द डॉर्सल रूट एंड टर्मिनेट्स एट द लेमिना मार्जिनलिस, दैट इज लेमिना 1 ऑफ द डॉर्सल हॉर्न। तो सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो हो जाएगा वो एंटर करेगा डॉर्सल रूट में और डॉर्सल रूट में एंटर कर करके लेमिना मार्जिनलिस, दैट इज लेमिना 1 ऑफ द डॉर्सल हॉर्न में जाकर के ये टर्मिनेट कर जाएगा। नाउ एक्साइटेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द नियोस्पाइनोथेर्मिक ट्रैक्ट ऑकर्स। नाउ व्हाट हैपेंस दैट एक्साइटेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा नियोस्पाइनोथेर्मिक ट्रैक्ट। नियोस्पाइनोथेर्मिक ट्रैक्ट क्या होगा, फास्ट पेन का ट्रैक्ट इज द नियोस्पाइनोथेर्मिक ट्रैक्ट। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का वहां से एक्साइटेशन होगा। फिर मोस्ट टर्मिनेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एट थैलेमस, दैट इज वेंट्रो पोस्टर लेटरल न्यूक्लियाई, बट फ्यू फाइबर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट इन द रेटिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। मतलब जो मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे, मैक्सिमम जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे उनका टर्मिनेशन जो होगा, मैक्सिमम जो फास्ट पेन के लिए जो मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे उनका टर्मिनेशन जो हो जाएगा फास्ट पेन के लिए कहां पे हो जाएगा, वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर हो जाएगा। लेकिन कुछ फाइबर जो होंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के वो टर्मिनेट करेंगे रेटिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन एंड इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ऑफ द थैलेमस, इंट्रा लेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर भी कुछ फाइबर्स टर्मिनेट करेंगे। तो ये था इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे कि फाइबर्स फ्रॉम द वेंट्रोपोस्टियोलेटरल न्यूक्लियाई एंटर्स द सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स थ्रू द पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। फिर वेंट्रोपोस्टियोलेटरल न्यूक्लियस से ये क्या करेगा, पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल के थ्रू सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फास्ट पेन होता है वो मोर लोकलाइज्ड पेन होता है। इसका रीजन क्या होता है कि क्यों ये मोर लोकलाइज्ड पेन होता है, क्योंकि इस फास्ट पेन जो होता है उसका जनरेशन होता है स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर और टैक्टाइल रिसेप्टर दोनों की वजह से। तो जब फास्ट पेन जैसे कि प्रिकिंग पेन है, तो प्रिकिंग पेन होता है तो वो स्किन के लेवल पे वो पेन होता है, स्किन के लेवल पे टिश्यू का डैमेज होता है और स्किन के लेवल पे जब टिश्यू डैमेज होता है तो पेन रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर दोनों एक्टिवेट होती है। तो स्किन के डैमेज की वजह से क्या होता है कि पेन रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर दोनों एक्टिवेट हुई। अब पेन रिसेप्टर जो होगा वो एंटेरोलेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे को फॉलो करेगा, लेकिन जो टेक्टाइल रिसेप्टर होगा वो डॉर्सल कॉलम पाथवे को फॉलो करता है, और जो कि हम लोग डॉर्सल कॉलम पाथवे में पढ़ चुके हैं।
है। तो डोर्सल कॉलम पाथवे जो होता है वो फाइन लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्टिमुलस देता है, जिसकी वजह से फास्ट पेन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लोकलाइज हो सकता है, फास्ट पेन जो होता है तो बहुत ज्यादा लोकलाइज हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो प्रिकिंग पेन होता है उसको हम लोग लोकलाइज करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हुआ है, क्योंकि उस समय टेक्टाइल रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट होते हैं जो कि डोर्सल कॉलम पाथवे को फॉलो करते हैं, जो कि फाइन लोकलाइजेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस दे देता है। नेक्स्ट पाथवे दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द पैलियोस्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट फॉर द स्लो पेन। सो कमिंग फ्रॉम, इसके अंदर सी टाइप ऑफ द फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर द स्लो पेन फाइबर्स, सी टाइप ऑफ द फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली केमिकल स्टिमुलस जो होता है, ऑल्सो बाय द मैकेनिकल एंड थर्मल स्टिमुलस। तो मेनली केमिकल स्टिमुलस जो हो जाता है वो उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है स्लो पेन को। मेनली केमिकल स्टिमुलस से कहने का ये मतलब है हमारा कि केमिकल स्टिमुलस कैसे केमिकल स्टिमुलस होते हैं, जैसे कि टिश्यू डैमेज होगा, मतलब स्लो पेन के अंदर क्या होता है कि डीपर टिश्यू डैमेज होते हैं, तो टिश्यू के डैमेज की वजह से क्या होता है कि उसे कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं। ये एक्सट्रैक्ट्स होता है जैसे कि ब्रेडिकाइनिन होता है, पोटेशियम होता है, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होता है, हिस्टामिन होते हैं, ये केमिकल स्टिमुलस का काम करते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ये केमिकल स्टिमुलस का काम करते हैं जो कि पेन को कॉज कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखिए कि टिश्यू था, डीपर टिश्यू था, इसके ये डैमेज हुआ जब डीपर टिश्यू, तो इससे कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकले जो कि केमिकल स्टिमुलस का काम किए। ये एक्सट्रैक्ट्स में क्या हो जाता है, ब्रेडिकाइनिन, पोटेशियम, प्रोटीलिटिक एंजाइम एंड हिस्टामिन। इसमें से ब्रेडिकाइनिन जो हो जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल स्टिमुलस हो जाता है एंड मोस्ट पोटेंट केमिकल स्टिमुलस हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये स्टिमुलस जो हो जाते हैं वो इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम करते हैं सी टाइप ऑफ द फाइबर के अंदर, जो कि क्या करता है स्लो पेन को कंडक्ट कर देता है। सो दिस वॉज वॉट वी मीन बाय द केमिकल स्टिमुलस हियर। ठीक है ना, तो मेनली केमिकल स्टिमुलस जो हो जाता है वो स्लो पेन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ऑल्सो बाय द मैकेनिकल एंड थर्मल स्टिमुलस भी स्लो पेन को स्टिमुलेट कर सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो इसके अंदर मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज होते हैं वो ग्लूटामेट और सब्सटेंस भी दोनों होते हैं, जबकि फास्ट पेन के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूटामेट जो था वो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर था, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ट्रांसमिट हो जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। पर यहाँ पे ग्लूटामेट और सब्सटेंस भी दोनों जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। यही रीजन होता है डबल पेन सेंसेशन आफ्टर द पिन प्रिक। पेन प्रिक जो होता है वो फास्ट पेन होता है प्लस कुछ देर बाद स्लो पेन, धीरे धीरे पेन उसका बना रहता है, उसका रीजन होता है स्लो पेन। तो जो फास्ट पेन का उसमें रीजन होता है कि जैसे ही प्रिक करते हैं अचानक से जो फास्ट पेन होता है वो ग्लूटामेट की वजह से होता है, जिसकी वजह से फास्ट पेन ट्रैक्ट जो था दैट इज द नियोस्पाइनोथर्मिक ट्रैक्ट वो एक्टिवेट हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद क्या हुआ कि टिश्यू का डैमेज हुआ, टिश्यू के डैमेज की वजह से क्या रिलीज हुआ, ब्रेडिकाइनिन वगैरह रिलीज हुआ, जिसकी वजह जिसने केमिकल स्टिमुलस का काम किया, और उसने क्या किया सब्सटेंस पी का रिलीज किया न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जो कि लॉन्ग लास्टिंग, स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो पिन प्रिक के समय में दोनों पेन हम लोग को, डबल पेन हम लोग को एहसास होता है, दैट इज फास्ट पेन एंड स्लो पेन बोथ। द रीजन फॉर बोथ पेन आर वेल अंडरस्टूड नाउ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कोर्स, कैसे पैलियोस्पाइनोथेलमिक ट्रैक जो होता है वो पूरे के पूरे असेंडिंग पाथवे में ट्रेवल करता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंटर्स द डॉर्सल रूट एंड टर्मिनेट्स एट सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, दैट इज द लेमिना 2 एंड लेमिना 3 ऑफ द डॉर्सल हॉर्न। तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे टाइप सी फाइबर, दैट इज द स्लो पेन कंडक्टिंग फाइबर्स, इनके फाइबर्स के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे वो लेमिना 2 और लेमिना 3 में जाकर के टर्मिनेट कर जाते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि एक्साइटेशन ऑफ द, नाउ व्हाट हैपेंस दैट एक्साइटेशन ऑफ वन और मोर शॉर्ट इंटरन्यूरॉन्स दैट एंटर्स द लेमिना 5, यहां से एक्साइटेशन होता है कुछ एक से ज्यादा शॉर्ट इंटरन्यूरॉन्स का। ये इंटरन्यूरॉन्स थे, इन इंटरन्यूरॉन्स का एक्साइटेशन होता है और ये इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं वो लेमिना 5 में जाकर के टर्मिनेट करते हैं, जहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का बिगनिंग होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, एक्साइटेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द पैलियोस्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसका टर्मिनेशन कैसे होता है। तो इसका जो मोस्ट टर्मिनेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन किसका, पैलियोस्पाइनोथेलमिक ट्रैक दैट इज स्लो पेन पाथवे का, एट ब्रेन स्टेम एंड द इंट्रालैमिनल न्यूक्लियस। ब्रेन स्टेम में भी रेटिकुलर सब्सटेंस, टेक्टल एरिया एंड पेरिएक्यूडेक्टल ग्रे रीजन। ठीक है, तो इसके जो स्लो फाइबर जो कि ऊपर की तरफ एसेंड कर रहे थे, दैट इज सी टाइप ऑफ द फाइबर जो कि ऊपर की तरफ एसेंड कर रहे थे, जिस पाथवे को हमने पैलियोस्पाइनोथेलमिक पाथवे कहा, इस पाथवे के दौरान जो टर्मिनेशन होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का वो मोस्टली ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, और हम लोग कहां पे होता है, इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस के अंदर होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में भी कहां होता है, तो ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर सब्सटेंस में होता है, टेक्टम में होता है, और पेरी एक्वाडेक्टल रीजन ऑफ द ग्रे मैटर। ओके, तो जो एक्वाडक्ट ऑफ द सेल्वियस जो कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को ज्वाइन कर रहा होता है, उस एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस के
सराउंडिंग कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेरी एक्विडेक्टल ग्रे मैटर कह देते हैं। इसका एक उसको हम लोग पेरी एक्विडेक्टल ग्रे मैटर कह देते हैं। जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि ये ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। इस थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में एक कनेक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग एक्विडेक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं। इस एक्विडेक्ट ऑफ द सिल्वियस के बगल में क्या प्रेजेंट होता है कि आसपास कुछ ग्रे मैटर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग पेरी एक्विडेक्टल ग्रे मैटर कह देते हैं। ठीक है, तो इस पेरी एक्विडेक्टल मैटर ग्रे मैटर में भी इसका होता है टर्मिनेशन होता है। तो कहां कहां इसका टर्मिनेशन होता है, तो मोस्ट टर्मिनेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एट द मोस्ट टर्मिनेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एट द ब्रेन स्टेम एंड द इंट्रालेमिनर न्यूक्ले। ब्रेन स्टेम में भी रेटिकुलर सब्सटेंस में होता है, टेक्टल एरिया में होता है और पेरिएक्विडेक्टल ग्रे रीजन में होता है। बट फ्यू फाइबर्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट्स एट द थैलेमस, दैट इज वेंट्रोपोस्टरलेटरल न्यूक्ले। तो मैक्सिमम जो फाइबर्स थे स्लोपियन फाइबर्स के, वो रेटिकुलर सब्सटेंस में टर्मिनेट करके, टेक्टल रीजन में टर्मिनेट करके और कहां करके पेरिएक्विडेक्टल ग्रे मैटर में टर्मिनेट करके। कुछ फाइबर जो थे वो वेंट्रोपोस्टरल और हम लोग कहते हैं कि इंट्रालेमिनर न्यूक्ले ऑफ द थैलेमस में टर्मिनेट करके। कुछ फाइबर जो पहुंचे वो पहुंचे कहां पे, वेंट्रोपोस्टरलेटरल न्यूक्ले ऑफ द थैलेमस जो कि वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, और यहां पे जाकर के इनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का टर्मिनेशन हुआ। अब यहां से जो न्यूरॉन्स बाद में जो ओरिजिनेट करते हैं जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वेंट्रोपोस्टरल लेटरल न्यूक्ले से, ये पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से होते हुए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। सो फाइबर्स फ्रॉम द वेंट्रोपोस्टरल लेटरल न्यूक्लियाई एंटर सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स थ्रू द पोस्टीरियर लिंब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। ओके, नाउ अब ये जो पेन होता है, स्लो पेन जो होता है, वो लेस और पुअरली लोकलाइज्ड पेन होता है। लेस और पुअरली लोकलाइज्ड पेन होता है, इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन इसका क्या है कि ये स्लो और पुअरली लोकलाइज्ड पेन होता है, इसका सबसे पहला रीजन इज स्टिमुलेशन ऑफ द पेन रिसेप्टर ओनली। जबकि हमने देखा कि फास्ट पेन के अंदर पेन, क्योंकि पेन रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर दोनों स्टिमुलेट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि लोकलाइजेशन बहुत ही परफेक्ट होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं क्योंकि डीपर टिश्यू डैमेज होती है और डीपर टिश्यू में टेक्टाइल रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिस वजह से एंट्रोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे ही सिर्फ स्टिमुलेट होता है और एंट्रोलेटरल स्पाइनोथर्मिक पाथवे कभी भी फाइन डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाता है। यह हमेशा क्रूड डिस्टिंग्विशन करता है, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जो लोकलाइजेशन होता है पेन का बहुत ही पुअर होता है। सेकंड रीजन जो हो जाता है लेस लोकलाइजेशन ऑफ द, या फिर पुअर लोकलाइजेशन ऑफ द स्लो पेन का, वो रीजन हो जाता है ड्यू टू द मल्टी सिनेप्टिक डिफ्यूज कनेक्टिविटी ऑफ द पाथवे। जैसे हमने देखा कि ये जो स्लो फाइबर्स थे, ये जो स्लो पेन फाइबर दैट इज सी टाइप ऑफ द फाइबर्स थे, ये सब्सटेंशियल जेरेटिनोसा पे जाकर के टर्मिनेट करते हैं और फिर इंटर न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, फिर वो जाकर के लेमिना 5 में टर्मिनेट करता है और वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का क्या होता है, बिगिनिंग होता है। तो ये डिफ्यूज कनेक्टिविटी की वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर्स को पास करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से टाइम लैग आ जाता है। ये भी एक रीजन होता है कि स्लो पेन फाइबर जो हो जाता है, ये भी एक रीजन होता है स्लो पेन फाइबर स्लो पेन का, ठीक है, कि पुअर लोकलाइजेशन का, कि ड्यू टू द मल्टी सिनेप्टिक डिफ्यूज कनेक्टिविटी ऑफ द पाथवे। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं एनालिसिस ऑफ द पेन, जब हम लोग करते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा होता है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, दैट इज द ब्रेन स्टेम होता है, और हमारा जो मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा वगैरह का जो लेवल होता है, उस लेवल पे जो पेन का एनालिसिस होता है वो कैसा होता है कि प्रिंसिपल फंक्शन इज ऑफ द पेन परसेप्शन। उनका प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज द ब्रेन स्टेम एंड द पार्ट्स का जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है वो पेन परसेप्शन का होता है, जबकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है, उसका प्रिंसिपल फंक्शन होता है पेन की क्वालिटी को डिस्टिंग्विश करना। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द पेन एट डिफरेंट लेवल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज द पेन कंट्रोल सिस्टम, द एनाल्जेसिया सिस्टम। पेन कंट्रोल सिस्टम या फिर द एनाल्जेसिया सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग को कोई पेन होता है तो उसके बाद वो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। वो रीजन क्या है पेन कम होने का, वो रीजन है द एनाल्जेसिया सिस्टम, दैट इज द मोटर सप्लाई ऑफ द न्यूरॉन्स दैट रिलीव्स द पेन। ओके, तो एनाल्जेसिया सिस्टम दैट इज द पेन कंट्रोल सिस्टम और पेन इनहिबिशन सिस्टम। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वहां से क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो न्यूरॉन नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, साथ ही पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दैट इज थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से भी कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर में जाते हैं। पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर हमने बताया कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं एक्वाडेक्ट ऑफ सिल्वियस, और ये एक्वाडेक्ट ऑफ द सिल्वियस के अराउंड जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर कहते हैं।
तो ये जो न्यूरॉन्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स और पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आते हैं, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पेरी एक्वाडेक्टल ग्रे मैटर में जाकर के क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। फिर यहां से ओरिजिन हो जाता है कुछ और न्यूरॉन्स का, जो कि क्या करते हैं रेफे मैग्नस न्यूक्लियस पे जाते हैं, रेफे न्यूक्लियस मैग्नस न्यूक्लियस में जाकर टर्मिनेट करते हैं। रेफे मैग्नस न्यूक्लियस जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ द ग्रे मैटर होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज एट द मिड लाइन ऑफ द पोन्स। मिड लाइन ऑफ द पोन्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग रेफे मैग्नस न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसका टर्मिनेशन रेफे मैग्नस न्यूक्लियस से होता है, और रेफे मैग्नस न्यूक्लियस में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आने के बाद सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में जाकर क्या करते हैं, ये टर्मिनेट करते हैं। वहां पे क्या होता है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ द इनकमिंग टाइप ऑफ ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। तो पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के लेवल पे। ये इनहिबिशन कैसे होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के लेवल पे, इस एरिया को हम लोग सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के लेवल को हम लोग एक बार और यहां पे समझते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था असेंडिंग पाथवे का, और ये डिसेंडिंग पाथवे का न्यूरॉन हो जाता है, दैट इज द मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, दैट इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन एंड नॉन एड्रेनर्जिक हार्मोन्स। ये जो नॉन एड्रेनर्जिक हार्मोन्स होते हैं और सेरोटोनिन होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हो जाता है पोस्ट साइनेप्टिक एंड पोस्ट प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन करता है। मतलब इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाले न्यूरॉन्स को भी इनहिबिट करता है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वाले न्यूरॉन्स को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इनहिबिट कैसे करता है कि यहां से क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज नहीं होने देता है और यहां पे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करने देता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम होता है, दैट इज सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनर्जिक हार्मोन्स का काम होता है। अब हम लोग कहते हैं कि इसके बीच में कनेक्टर न्यूरॉन भी होता है, ये कनेक्टर न्यूरॉन को भी स्टिमुलेट करता है। ये कनेक्टर न्यूरॉन कुछ ओपियोइड्स रिलीज करते हैं, दैट इज एनकेफलिन एंड एंडोर्फिन रिलीज करते हैं। ये एनकेफलिन और एंडोर्फिन जो हो जाता है वो क्या करता है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन कर देता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दोनों का इनहिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से पेन जो होता है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेन में क्या हो जाता है, रिलीफ मिलता है। कुछ और न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डॉर्सल पाथवे का न्यूरॉन है, दूसरे पाथवे के न्यूरॉन्स होते हैं, उसके भी एक्सॉन टर्मिनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका इनको जब स्टिमुलेट किया जाता है तब भी जाकर ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जो कि कनेक्टर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, जो कि फिर से ओपियोइड्स रिलीज कर देता है, दैट इज एनकेफलिन एंड एंडोर्फिन, और वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को, दैट इज जिससे क्या हो जाता है, पेन का ट्रांसमिशन कम हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोग इसके बाद हम लोग कहते हैं कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में रिलीज होते हैं, वो ब्रेडिकैनिन होता है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन होता है, हिस्टामिन होता है, एसिड्स होते हैं, पोटेशियम होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हो जाते हैं वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, जबकि कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, सब्सटेंस पी होता है, ग्लूटामेट होता है, इन द केस ऑफ फास्ट न्यूरॉन, फास्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन, वो क्या करते हैं कि रिड्यूस करते हैं थ्रेसोल्ड फॉर द पेन को। ये सारे सब्सटेंसेस जो हो जाते हैं वो थ्रेसोल्ड फॉर द पेन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इंक्रीज हो जाता है। ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, बस सेंसिटिविटी ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करवा देते हैं ये वाले ये सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा लेवल पे ऐसे मोटर न्यूरॉन जो हो जाता है वो केमिकल्स रिलीज करके प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से पेन में रिलीफ आ जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेन ओपिएट सिस्टम। व्हाट इज शॉर्ट टॉपिक है ब्रेन ओपिएट सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हो जाता है, अवर सर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स ओपिएट्स विच आर रिलीज्ड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द एनाल्जेसिया नीडेड। हम जितना ज्यादा पेन हो रहा है, पेन मीन्स पेन इज एल्जेसिया एंड एनाल्जेसिया इज फॉर रिलीविंग ऑफ द पेन। ओके, सो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ओपिएट्स रिलीज करता है उस अकॉर्डिंग कि कितना डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया चाहिए। मतलब जितना ज्यादा पेन होगा उतना ज्यादा हमें पेन रिलीफ करने की जरूरत होगी, और उतना ज्यादा उस अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ओपिएट्स रिलीज करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। All opiates are the breakdown product of the three large protein molecules. सारे opiates तीन large protein molecules के breakdown product होते हैं. What are these three protein molecules? These are pro-opiomelanocortin, pro-encephalin and pro-dynorphin. ठीक है ना, इनके जो होते हैं इनके breakdown product से बनता है opiates. What are the opiates which are formed by the breakdown product of these molecules? The opiates are beta-endorphin, met-encephalin, ल्यूसिन इनकेफ्लिन और ल्यू इनकेफ्लिन एंड डाइनॉर्फिन। ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, ओपिएट्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सारे कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, बीटा एंडोर्फिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के अंदर, मेट इनकेफ्लिन प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ल्यू इनकेफ्लिन भी प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और डाइनॉर्फिन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर।
तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया हमारा कैसे कैसे पूरा पाथवे होता है, और हमने पूरा पेन का ये सारे डिफरेंट ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, दैट इज फास्ट पेन वर्सेस स्लो पेन, नियो स्पाइनोथर्मिक इफेक्ट, पैलियो स्पाइनोथर्मिक इफेक्ट, द एनाल्जेसिया सिस्टम एंड ब्रेन ओपिएट सिस्टम. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. The frequently asked subjective question on this topic are: first question, differentiate fast pain with the slow pain. Second, explain neospinothalamic pathway, or it can also be asked as explain pathway for the fast pain transmission. Third question is explain paleospinothalamic pathway, or this can be asked as explain pathway for slow pain transmission. Question four, that is describe pain inhibition, or describe analgesia system, or describe pain control system. And fifth question is the brain, explain the brain opiate system. So these are the question that can be, these are the subjective question that are asked in the terminal and professional examination, and these can be solved according to the lecture. Now coming on the PG questions related to this video. Now we will be discussing Q&A on the PG entrance examination. The first question is neurotransmitter for the pain is. This question was asked in NEET 2014 and NEET 2012. The options are A, dopamine, B, substance P, C, PAF, and D, none. So the answer for this is neurotransmitter for pain is, the answer for this is B, substance P, as the substance P is the neurotransmitter for pain. Now question number second, dull visceral pain is carried by which type of the neurons? Option A, gamma fibers, option B, A, alpha fibers, option C, C fibers, option D, B fibers. This question was asked in NEET 2016. And coming to the answer of this question, we know that the dull visceral pain is always carried by the C type of the fibers, and the fast pain is carried by the A delta type of the fibers. So the answer for the question number two is C type of the fibers. Question number three is the pain fibers are of which types? This question was asked in NEET 2014 and West Bengal PG. The options are type A alpha, type A beta, type B, and type C. We know pain fibers are two type of the fibers, A delta type of fiber and C type of the fiber. A delta for fast pain and C for slow pain. So here A delta is not in the option. So the answer is type C fiber, that is option number D is correct for question number three. Now coming to the next question, that is question number four. Pain in the temperature sensation is carried by. This question was asked in AIPG 2013 and UPPG. Option A, ventral spinothalamic tract. Option B, lateral spinothalamic tract. Option C, corticospinal tract. And option D, dorsal column. We know that the pain and temperature are crude type of sensations, and these are always traveled by, these are always conducted by the lateral spinothalamic tract, while the ventral spinothalamic tract transmits the crude touch. So the answer for question number four is lateral spinothalamic tract. Now coming to question number five, opioids secreted from anterior pituitary. This question was asked in NIMHANS 17. And the options for these are option A, beta endorphin, option B, growth hormone, option C, ACTH, option D is MSS, that is melanocyte stimulating hormone. So the answer, we know that opioids secrete for the anterior pituitary, we know the different type of the opioids in our central nervous system. The answer for the question number 5 is A, beta endorphin. This is the opioid which is secreted by the anterior pituitary. Now coming to question number 6, exercise is prescribed as an adjuvant treatment for depression, most probably it acts by. Option A, increasing pulse pressure. Option B, improving hemodynamics. Option C, raising endorphin level. Option D, inducing good sleep. This question was asked in AIMS PG 2007, PGI PG 2008, and AIMS PG once again. The answer for this question is raising endorphin level. We have understood this mechanism in the substance at the level of substantia gelatinosa level. हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता था कि जो दूसरे pathway के जो neurons होते थे, exercise जो होता था, जिसकी वजह से क्या होते थे, touch receptors activate होते थे, vibrations होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरा pathway stimulate होता है. ये जो दूसरा pathway जो कि dorsal column pathway stimulate होता है, ये dorsal column pathway से कुछ neurotransmitters release होते हैं, जो कि connected neurons को क्या करते हैं, stimulate करते हैं. और ये connected neurons जो होते हैं, जो कि connected neurons को stimulate करते हैं. और ये connected neurons जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एंड ओपियोड्स रिलीज करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं हमारे मसल्स के अंदर, जो कि न्यूरॉन फॉर द डॉर्सल पाथवे को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनके कुछ एक्सॉन टर्मिनल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा लेवल पे, जो कि क्या करते हैं, वहां से क्या निकलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं. ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स कनेक्टेड न्यूरोन को स्टिमुलेट करता है, जो कि क्या कर देता है, इनिबिशन ऑफ द पेन कर देता है. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स हियर इज एक्सरसाइज की वजह से, किस वजह से क्या होता है कि पेन का डिप्रेशन कम हो जाता है, द रीजन इज रेजिंग एंडोर्फिन लेवल. एंडोर्फिन लेवल एक्सरसाइज की वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से डिप्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो.
The clinical challenge question that was asked in the last video was, in a hypothetical situation, if the Merkel's disc of the nerve ending is replaced by the photoreceptor, then which type of the sensation will be felt by the person exposed to the light on the receptor? अगर हम लोग एक रिसेप्टर मर्कल्स डिस्क को रिप्लेस कर देते हैं रॉड्स एंड कोन से और इसमें अगर लाइट का स्टिमुलस डालते हैं तो फिर किस टाइप का सेंसेशन परसीव होगा हमें दूसरे एंड में? ऑप्शन वन वाज लाइट सेंसेशन, ऑप्शन सेकंड वाज टच सेंसेशन. द आंसर टू दिस क्लिनिकल चैलेंज क्वेश्चन इज द एक्सप्लेनेशन इज द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ लेबल लाइन. लेबल लाइन प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें कि कोई भी नर्व फाइबर जो होती है वो लेबल्ड होती है किसी एक मोडेलिटी ऑफ द सेंसेशन को कैरी करने के लिए. सो नर्व फाइबर इज लेबल्ड फॉर द कैरिंग वन मोडेलिटी ऑफ द सेंसेशन. इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट दिस नर्व इज लेबल्ड ओनली फॉर कैरिंग टच सेंसेशन. क्योंकि ये मर्कल्स डिस्क के अंदर प्रेजेंट था और ये टच फाइबर्स का टच सेंसेशन का रिसेप्टर टच सेंसेशन का फाइबर था तो इसको लेबल किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ टच सेंसेशन को कैरी करेगा चाहे कैसे भी आप स्टिमुलस इसको स्टिमुलेट कर दें. सो इवन इफ रिप्लेस मर्कल्स डिस्क विद द फोटोरिसेप्टर, चाहे हम लोग मर्कल्स डिस्क को फोटोरिसेप्टर से रिप्लेस कर दे, द स्टिमुलस विल लीड टू द टच सेंसेशन इन दिस नर्व. हमेशा ही जो इसके अंदर मोडालिटी ऑफ द सेंसेशन जो इसमें पास करेगा ट्रांसमिट करेगा वो हमेशा टच सेंसेशन होगा. सो द आंसर टू दिस क्लिनिकल चैलेंज क्वेश्चन वाज टच सेंसेशन. इवन इफ वी रिप्लेस विद इट विद रॉड्स एंड कोन्स एंड वी स्टिमुलेटेड विद लाइट द आंसर विल बी टच सेंसेशन. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्लिनिकल क्लिनिकल चैलेंज क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. The question is, a 17-year-old man represents to a physical altercation at emergency department that revealed a stab wound. He was stabbed at level T12 in back. Clinical examination shows that he lost vibration and proprioception in right leg and loss of pain and temperature sense of the left leg. Which part of the spinal cord was damaged according to the clinical findings? Option A, left side of the spinal cord. Option B, right side of the spinal cord. Option C, complete section of the spinal cord. This is the question that you have to answer, and the answer for this question will be posted in the next video.